सीसीटीवी फुटेज आप लोगों ने देखी कुछ लोग आ रहे हैं और मार पिटाई हो रही है हालांकि सीसीटीवी फुटेज अब बिल्कुल क्लियर नहीं है लेकिन कुछ हल्का सा ये है कि कार में आते हैं अंदर जाते हैं और मार पिटाई होती है सारे मामले में असलियत क्या है संजय गर्ग से बातचीत करते हैं रूई बनाने की फैक्ट्री अब के पास क्या पूरा मामला था पूछते हैं क्या हुआ था जो मामला ये था कि मैं सुबह बारह साढ़े बारह बजे अपने घर से फैक्ट्री में आया और आकर मैंने अपनी फैक्ट्री में नया साल था मिठाई वगैरह बांटी और मैंने देखा सीसीटीवी से कि मैं बाहर आया तो इन सामने फैक्ट्री है ये इस फैक्ट्री से एक लेबर वाला एक तार को खींच रहा था यहाँ तक जहाँ गाड़ी खड़ी है वहाँ तक वो तार गई है मेरी दोनों फैक्ट्रियों के साथ से उसके अंदर करीब एक से डेढ़ इंच लंबी कील होती है मैंने उस लेबर वाले को बोला कि भाई ये कील यहाँ से हटा दो इस तार को अपने अंदर ही जाकर खोल लो जैसे तुम हमेशा खोलते हो उसने बोला कोई बात नहीं बाबू जी मैं चला जाता हूँ और अंदर ही खोल लेंगे उसके तुरंत बाद मैं अंदर चला जाता हूँ तो उन फैक्ट्री का मालिक आता है और वो ये कहता है कि भाई ये तू खोल मैं देखता हूँ किसके अंदर इतनी ताकत है किसकी माँ ने दूध पियाया कोई रोक सके तो मैं सी कैमरे में देख रहा था वापसी आया तो मेरी उससे इस तरह की बात हुई इस तरह की बात होने के बाद मेरी उससे कहा सुनी होगी उस बंदे ने जिसका नाम है पंकज मित्तल उसने मेरा गला पकड़ लिया गला पकड़ने के बाद मेरा मुनीम है फैक्ट्री का वो पास आया उसने बोला कि कभी गला छोड़ दे उसने मेरा गला छोड़ा नहीं मैंने भी उसका गला पकड़ लिया पर गला पकड़ने के बाद दोनों के गला छूटने के बाद तुरंत गले छूट गए और मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर वापस आकर अपने ऑफिस में बैठ गया ऑफिस का काम कर रहा था अंदर से मैं देख रहा था कि भाई गाड़ी पे गाड़ी आई गई दस पंद्रह मिनट में बीस मिनट में यहाँ पर छः सात गाड़ियाँ आ गई अच्छा। इतनी आशंका नहीं थी कि भाई मेरे ऊपर कोई वारदात होगी अच्छा। मुझे तो ये था कि भाई कोई आएगा बड़ा आदमी आएगा झगड़ा हाँ। मान लिया छोटी सी का सुनी हुई है हाँ। बातचीत हो जाएगी हाँ। अगर मुझे ऐसी आशंका होती तो शायद हो सकता है मैं फैक्ट्री से चला जाता भाई कोई मुझे जान से ना मार दे हाँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई चलो कोई बात नहीं बातचीत होगी तो मैं अपनी फैक्ट्री में अंदर बैठ रहा और अपना काम कर रहा था कुछ ही देर में जब वो सारी गाड़ियाँ आई उसमें से कम से कम पंद्रह से बीस आदमी उतरे उन लोगों ने मेरी फैक्ट्री के अंदर प्रवेश किया और अंदर सीधे मेरे ऑफिस तक आए ऑफ़िस के अंदर आकर उन्होंने मुझे गले से पकड़ा और वहीं पर उन्होंने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी और अंदर से घसीट कर मुझे बाहर वाली गैलरी में ले आए बाहर वाली गैलरी में मेरे अंदर वाला कैमरा नहीं चल रहा था बाहर वाला चल रहा था सारा सीसी फुटेज के अंदर कैद है और उन्होंने पंद्रह बीस आदमियों ने मिलकर मुझे मारा राड मेरे पेट में लगी हुई है मैंने उसका सी टी स्कैन भी अल्ट्रासाउंड भी करवाया है डॉक्टरी भी करवाई हुई है एफ भी दर्ज करवाई हुई है लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है झगड़ा चल रहा था का आपका इन दोनों पहले एक दो बार झगड़ा हुआ है इनसे ये हमने सिर्फ ज़ुबानी बात की जब भी बात की ज़ुबानी बात की कभी मार धाड़ मारपीट वाला कभी कोई रोल नहीं हुआ नहीं। आपसी वैसे ही बातचीत में समझौता हो गया उसके बाद से हमारी एक साल से आज तक कोई दोबारा कोई बात नहीं हुई अच्छा। ये उन्होंने प्री प्लान कर कर मुझे जानबूझ छेड़ा कि भाई इसको छेड़ेंगे तो शायद ये कुछ बोलेगा और बोलने के बाद हम इसको मार देंगे जान से कितने लोगों के नाम लिखवाए हैं एफआईआर में एफआईआर में मैंने लिखवाया है कि पांच आदमी जिन जो मेन इस फैक्ट्री के मालिक हैं ये चाचे ताऊ के लड़के हैं उनमें नाम है शिव कुमार मित्तल सुशील मित्तल मोहित मित्तल प्रमोद मित्तल पंकज मित्तल इन लोगों ने राड और डंडों से मेरे ऊपर हमला किया है और इनके साथ आठ से दस आदमी और मौजूद थे जिन्होंने मुझे लात और गुस्सों से ज़बरदस्त मारा है पुलिस क्या कह रही है अभी पुलिस कह रही है कि भाई आपने एफ दर्ज करवा दी है और अब इसकी कार्रवाई हम अपने आप देखेंगे अच्छा और हम कह रहे हैं कि भाई अरेस्ट करो अभी तक किसी भी आदमी को एक भी आदमी को अरेस्ट नहीं किया गया है और अपराधी सरेआम घूम रहे हैं अच्छा। किस किस चीज़ से मारा था क्या चीज़े क्या चीज़ें लेके आए लोहे की राड डंडे उनके पास चाकू भी था अच्छा। लेकिन मैंने अपना बचाव काफ़ी अच्छे तरीके से किया कि ताकि मुझे किसी तरह की और कोई चोट नहीं लगी राड मेरे पेट में लगी हुई है उसका मैंने अल्ट्रासाउंड भी करवाया है अच्छा

आप थे क्या हुआ था जैसे बता रहे थे उधर से डाफर पाड़ रहे थे हाँ। और तार के रोक था बाबूजी ने बोला भाई अंदर लो इस तार को हाँ। तो जो पंकज मित्तल है वो बाहर आया हाँ। उन्होंने गाड़ी के साथ बदतमीजी करके अब तू पाड़ मैं देखता हूँ कौन आएगा अच्छा। इतने बाद उन्होंने वहां गाड़ी देनी शुरू की फिर उधर गए तो उनकी आपस में उन्होंने गला पकड़ लिया गड़ा पकड़ने के बाद मैंने बोला उसको भाई गड़ा छोड़ दे भाई गड़ा छोड़ दे तू तो उन्होंने गड़ा छोड़ दिया एक आधा वो भी है फिर उनके बाद बाबू ने भी एक मारे उसको आगे थे इधर उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया और एक तो उसका सुशील का लड़का और एक शिव कुमार दोनों गाड़ी में आए पहला उसके बाद चार पांच गाड़ी आई जिसमें दस पंद्रह लोग और आए आँधे उन्होंने अंदर जाके ऑफिस में थे हम दोनों जानदे बाबूजी का गला पकड़ के बाहर ले आए अंदर भी राड एक तो मेरे हाथ पे भी लगी आए से जब मैंने रोकी हो फिर अंदर रह के बाहर दस से जैसे जितने भी थे वो चौदह पंद्रह लोग उन्होंने बाहर मारा उनको एक मारते ही एक सेकेंड लगाए जब ही चले गए वो उसके बाद नहीं आए वो कहा राड पड़ी हुई आपके पास राड अंदर रखी हुई है दोनों राड रखी हुई हैं हाँ। अभी तक हमने उनको पुलिस वालों को भी बोला था हाँ। कि भैया ये राड रखी हुई हैं हाँ। इन लोगों ने जिस राड को इस्तेमाल किया है और जो उनके पास अपना आ, मतलब लाइसेंसी हथियार था रिवॉल्वर थी पिस्टल थी वो उनके पास थी वो अपनी लेके चले गए उससे हमारा कोई वो नहीं है कि ले रखी जरूर थी उन्होंने लेकिन जो जिस रोड से उन्होंने मारा मुझे वो रोड दोनों यहीं अंदर रखी हुई हैं अभी मौजूद हैं एक उनके मोहित मित्तल ने ईंट उठाई मुझे मारने के लिए ईंट उसके अंदर सीसीटीवी के अंदर बिल्कुल साफ नज़र आ रही है कि ईंट मेरे चौकीदार को भी उसने मारा और हमें भी मारा उसको भी चौकीदार को भी उसने धक्का दिया अंदर जाने से रोकने के लिए मेरे गेट को तोड़ने लगा जब वो यहाँ पे यहाँ की वारदात वारदाता जी यहाँ पर गेट तोड़ने लगा उस गेट से अंदर गए हैं वो अच्छा उस वाले गेट से ये हमारा गेट परमानेंट बंद रहता है अच्छा, अच्छा। हाँ यहाँ पे मारपीट आई यहाँ पर मारपीट आई हुई है इस वाले ऑफिस में से यहाँ से हम मुझे बाहर तक घसीट कर लेके आए अंदर से मारते हुए यहाँ तक मारते हुए कैमरे में आया ये जो अंदर गैलरी वाला कैमरा है पूरी उसी में आई हुई है सारी वीडियो काफी देर की है हाँ ये रो, यहाँ रोड रखी हुई है तो ये वो दो रोड हैं जिन रोडों से जिन रोडों से उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया है, हाँ। है। अच्छा आप भी यहीं थे उस टाइम जी यहाँ यहीं थे अच्छा क्या हुआ था बाबूजी को ऑफिस में से खेच लिया बैठा है तो बोलना भी नहीं बाद में तो यो अच्छा और वो आके लड़के पहले कुआर तोड़ा फिर वो से घुस कर मारने लगे माँ बहुत करी बाबू जी तो बोलना भी नहीं उधर ना थोड़ी बहुत देर का भाई तार है ये तार है तार के वजह से नो का भाई सब कील लग जाएगी इतनी बात पे लड़ाई बज गई थी यो आके बाबूजी ऑफिस में बैठ गए ऑफिस हाँ। में सिखा चली आए थे दस आदमी थे दस ग्यारह आदमी थे इतने थे पांच छह कार थी मार के हाँ मारते हुए नहीं रुके वे तो चल दिए तो फिलहाल आरोप है पड़ोस की फैक्ट्री चलाने वाले संचालक हैं इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें सीसीटीवी कैमरे में आप लोग देख रहे हैं कैसे मारपीट जो है इनकी हो रही है तो फिलहाल ये लोग भी अपना पक्ष रखना चाहे तो आमंत्रित है वाइष्व पानीपत पर अपनी जो है बातचीत रख सकते हैं वैष्णव पानीपत के प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह